नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। वहीं यूपी राज्य के सोनभद्रा गांव के अंदर 3000 टन से भी ऊपर सोना मिला है, जो भारत के लिए गौरवदायी का पल नजर आ रहा है। वहीं यूपी की सरकार पूरी तरह से अब बयानबाजी भी कर रही है और सोनभद्रा ग्राम के अंदर 3000 टन से भी ऊपर मिले सोने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल भी छाया हुआ है। वहीं जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार 2012 के अंदर ही उन्होंने कह दिया था कि यूपी के सोनभद्रा गांव की पहाड़ी में सोना पाया जा सकता है और आखिरकार 2020 के अंदर उनकी रिपोर्ट सही साबित हो पाई। वहीं रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि सोनभद्रा की पहाड़ी में मिले सोने पर सांपों का डेरा दिखाई दे रहा है, जहां पर करोड़ों वर्षों से वहां पर सांप निवास करते हुए। अब सरकार के सामने ये चेतावनी होगी कि वो किस प्रकार से इस सोने को निकाल पाएगी और भारत को सोने की चिड़िया बना पाएगी। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है सोनभद्रा के इस सोने के भंडार को लेकर कि वर्षों पुराने इस दबे सोने के भंडार में कई राजा महाराजाओं का खजाना भी दबा हो सकता है और भी सोना निकाला जा सकता है। वहीं जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार सोनभद्रा के पूरे गांव की पहाड़ी में सोना ही सोना उगलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सांपों का डेरा भी नजर आ रहा है। वहीं टीमें पूरी तरह से लगातार इस काम पर निर्भर होती हुई नजर आ रही है और लगातार छानबीन भी कर रही है। और दूसरी तरफ सोनभद्रा की पहाड़ियों में सोने के मिलने के बाद यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ का भी ऐलान हो चुका है कि सोने के सबसे ज़्यादा और सबसे अहम हिस्सा रहेगा यूपी सरकार का और इन सोने के भावों में सोने की चिड़िया भारत फिर से बनेगी। वहीं करोड़ों वर्षों पहले अंग्रेज भारत में चले आए थे और उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया को लूट लिया था, लेकिन अब यूपी राज्य में सोने का भंडार मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा विदेश में भी और भी ज़्यादा भारत के चर्चे होते हुए दिखाई भी दे रही है। वही सोनभद्रा गांव के अंदर सोने के मिलने के बाद वहां की जनता भी खुशी से झूम उठी है और लगातार इस खदानों को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। हर एक गांव के हर एक खेत के अंदर सोने के भंडार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार वहां पर खनन की टीमें जांच पड़ताल और भी तेज कर चुकी है और लगातार वहां पर जांच की जा रही है और उन्हें सोने के भंडार ही भंडार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 3000 टन से भी ऊपर बताया जा रहा है यूपी राज्य की सोनभद्रा गांव का सोना, जिसके अंदर सुरंगें भी लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। कहा यह भी जा रहा है कि राजा महाराजाओं का वर्षों पुराना खजाना दबा हुआ और भी हो सकता है। हजारों टन सोना मिलने के बाद यूपी के लोग खुशी से झूम उठे और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। वहीं यूपी के लोगों का ये भी कहना है कि श्री राम भगवान की जन्मभूमि के होने के चलते वहां पर और भी खजाना मिलेगा यूपी सरकार को। वहीं यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार भी पूरी तरह से दावा कर चुकी है कि 3000 से लेकर 4000 टन के बीच में और भी ज़्यादा सोना मिलेगा सोनभद्रा की पहाड़ियों में, जो पूरी तरह से सोना उगलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं योगी सरकार ने यह भी कहा है कि सोनभद्रा की पहाड़ी दिन के अंदर सूर्य निकलने के बाद पूरी तरह से लाल हो जाती है, जिस हर तरफ में सोना ही सोना नजर आता है। वहीं जीएसआई की रिपोर्ट ने लगातार 12 वर्षों से छानबीन कर रही थी और दावा भी कर रही थी कि यूपी राज्य के सोनभद्रा गांव में सोने के होने की पूर्ण आशंका भी जताई जा रही है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी टीम ने ये खोज निकाला, हजारों टन का सोना जो करोड़ों वर्ष धरती के नीचे दब चुका था, लेकिन अब उनके सामने चुनौती ये आ रही है कि करोड़ों साल पहले इस दबे सोने के भंडारों के ऊपर सांपों का घर बना हुआ है, जहां पर करोड़ों वर्ष से वहां पर सांप ही सांप निवास करते हुए आ रहे हैं और इस सोने की रखवाली भी कर रहे हैं। लेकिन अब लगातार टीमें वहां पर जुटी हुई है और भी सोना निकालने के लिए, और जैसे ही
पूरी पुष्टि होने के बाद सोने से लदे ट्रेनों के द्वारा ये सोना विदेशों के अंदर भेजा जाएगा, जो सही होकर के वापस भारत के अंदर लाया जाएगा, जिसके चलते भारत और भी देश मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, जो दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता है, वो भी भारत के दो दिवसीय दौरे पर आ रही है 24 और 25 फरवरी को। लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार को सबसे ज्यादा खजाना मिला हुआ है, जहां पर योगी आदित्यनाथ के राज्यों के अंदर ही अपने पूरी तरह से सोना ही सोना उगलती हुई धरती उत्तर प्रदेश की सामने आ रही है। वही अब देखना ये होगा। और दूसरी तरफ कई दावे ये भी आ रहे हैं विपक्ष के कि योगी की सरकार ने जिस प्रकार से दावा कर रही है 4,000 टन से भी ऊपर सोने का, वो पूरी तरह से झूठा है। वही विपक्ष की पार्टियों का ये भी कहना है कि सोना सिर्फ 140 किलो ही मिला है, लेकिन योगी सरकार और भाजपा की सरकार मिलकर के इसे 4,000 टन बता रही है, जो सरासर झूठ का है और उन्होंने दावा भी किया है। लेकिन अभी जीएसआई की टीम का ये भी दावा सामने आ चुका है कि 4,000 टन से भी ऊपर सोना पाया गया है, जो जल्द ही भारत सरकार के पूर्ण रूप से कब्जे में भी होगा। वही 24 घंटों से लगातार वहां पर टीमें जुटी हुई है काम को लेकर और भी छानबीन कर रही है। जीएसआई टीम के मुताबिक सोने 4,000 टन से भी ऊपर सोना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार पर निशाना साध रहे विपक्ष की नेताओं का यह भी दावा है कि योगी सरकार झूठ पर झूठ बोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सोनभद्र गांव के अंदर अगर आप नजारा भी देख पा रहे होंगे तो वहां पर वहां की धरती एकदम लाल सोने की तरह चमक रही है। और गांव के लोगों का भी कहना है कि उन्हें भी अंदेशा था कि अब उनके खेतों के अंदर सोना ही निकलेगा, क्योंकि जब भी वहाँ के लोग, उनका कहना है कि खेती के लिए हल जोत कर सामने आते थे तो वहाँ पर पीले रंग की मिट्टी और कई तत्व भी सामने आते थे, जिसके चलते जीएसआई ने अपनी पूरी टीम और पूरी की पूरी जांच पड़ताल सोनभद्र ग्राम के अंदर लगा दी और आखिरकार 12 वर्षों के बाद में सोने के भंडार हाथ में लगे। वहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि करोड़ों वर्ष पहले हमारे ग्रह नक्षत्र मिलने के चलते वहां पर उल्का पिंड आ गिरा था, जिसके चलते महाराजाओं का खजाना था जो एक जगह इकट्ठा किया गया था, उसके ऊपर गिरने के चलते वहां पर सबसे बड़ा पहाड़ बन गया, जिसके कारण सोने को महाराजा वहां से निकाल नहीं पाए और उनकी सेना भी निकाल नहीं पाई। लेकिन आखिरकार 8 वर्षों और करोड़ों साल पहले दबे जमीन के अंदर इस हजारों टन के सोने को आखिरकार भारत सरकार ने निकाल दिया। वहीं योगी सरकार का ये दावा किया जा रहा है कि सोने से भारत के अंदर काफी ज्यादा खुशहाली भी छाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब भारत फिर से सोने की सीढ़िया भी बनने जा रहा है और विदेशी देशों के अंदर भी भारत की चर्चा और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि कई वर्षों पहले आए अंग्रेज यहाँ पर भारत को लूट करके चले गए और भारत को सोने की चिड़िया से कंगाल कर दिया। लेकिन अब इस मिले हजारों टन सोने के बाद में फिर से भारत बनेगा सोने की चिड़िया और मोदी के अंडर में ही होगा इसे पूरा प्रोग्रेस। वही इस सोने को सही और साफ 24 कैरेट बनाने के लिए भारत के अंदर पूर्ण संसाधन नहीं होने के कारण इस सोने के लदी गाड़ियां और हवाई जहाजों के माध्यम से इस सोने को बाहर भेजा जाएगा और उसके बाद में इसकी पूर्ण रूप से शुद्धता कर भारत के अंदर फिर से लाया जाएगा, जो भारत के अंदर अब सोना और चांदी सस्ते होने की पूर्ण संभावना भी जताई जा रही है। जो सोनभद्र गांव के अंदर हजारों टन में मिली इन गुफाओं के अंदर सोने के भंडार और सोने के जेवर के चलते वहां के पत्थर भी एकदम पीले हो चुके हैं और गोल्डन सोने की तरह ही चमक रही है। वहाँ की गांव की खुशबू भी मनमोहक कर देने वाली नजर आ रही है और हर क्षेत्र चारों दिशाओं में अगर नजर घुमाई जाए तो वहां पर सोना ही सोना नजर आ रहा है।
वही सोने के चलते यूपी सरकार में और लोगों का दावा, खनन मंत्री का भी दावा सामने आ रहा है कि सोने के मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांति भी सामने नज़र आ रही है यूपी राज्य के अंदर। वही आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साथ में घंटे के बटन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद।